लीगली कोर्ट मैरिज करूंगा तो कोई कैसे परेशान करेगा, क्यों पुलिस मुझे परेशान करेगी, जो मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूं वो लीगल तो है ना, मैंने आर्य समाज या पहले रिचुअल के हिसाब से मैरिज किया, फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया, तो क्यों पुलिस मेरे परिवार को परेशान करेगी, ऐसा मैं पहले से क्या करूं कि पुलिस मुझे परेशान ना करे, आखिर मैं अपने परिवार को बचाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले दर्शक का सवाल सुनिए। सर नमस्कार, सर मेरा नाम राहुल है सर। सर मैंने हाल ही में सर कोर्ट मैरिज किया था सर, और जो है मेरी वाइफ को सर लड़की वाले ले जा चुके हैं। मैं सर इसमें क्या कर सकता हूँ सर, मुझे आप बताइए सर। मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो सर मुझे लगता है वो जेन्युइन है या नहीं है, वो फेक भी हो सकता है, क्योंकि जो लड़की के घर परिवार के लोग हैं और जो उनके पुलिस पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने जो शादी किया है वो फर्जीवाड़ा करके शादी किया है सर। तो मैं जान सकता हूँ सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, मेरी कोई इसमें हेल्प हो सकती है सर, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है सर, प्लीज मेरी मदद करें। तो राहुल जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगा कि देखिए, आपने इसमें यह नहीं बताया कि आपने कोर्ट मैरिज किया कहां से है, किस प्रोसेस के थ्रू किया है। आजकल आपने अनेक वीडियोस मेरे ही देखे होंगे और उन सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि केवल आपके पास में आर्य समाज का सर्टिफिकेट हो, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, तो जरूरी नहीं है कि आपकी मैरिज पूरी तरह से लीगल हो। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे आदेश आ चुके हैं। लीगल क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या आपने सर्टिफिकेट को गलत तरीके से ऑब्टेन तो नहीं किया है, आपने सर्टिफिकेट को पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए किया है या नहीं किया है, यह देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये होता है कि जब कभी भी आप अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं तो रिचुअल को प्रॉपरली लॉ के मुताबिक परफॉर्म किया गया है नहीं किया गया। अगर आप हिंदू हैं, आर्य समाज में आपके मैरिज को परफॉर्म प्रॉपरली किया जाना चाहिए, 7 स्टेप्स फायर के सामने लिया जाना चाहिए, पुरोहित जो पंडित हो वो शादी कराए, 2 विटनेस हो, ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। और एक और बात बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट की जब मैं बात करता हूं तो बौद्ध, जैन और सिख है, ये भी हिंदू ही कंसिडर किए जाते हैं, और ये भी 7 स्टेप्स लेकर के अगर मैरिज करते हैं तो पूरी तरह से लीगल और जेन्युइन होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप निकाह भी करते हैं तो निकाह प्रॉपर पढ़ा गया होना चाहिए। अब मान लीजिए रिचुअल को परफॉर्म कर दिया, उसके बाद से जरूरी होता है कि जो आर्य समाज या जिसने भी निकाह कराया या जिस चर्च ने आपकी शादी को परफॉर्म कराया है वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करता हो। कपल के लिए सबसे मुश्किल चीज यही होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि नहीं होता है। रिकॉर्ड वही संस्था मेंटेन कर सकती है जो लंबे समय से काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। आज आपने किसी का वीडियो या कहीं से आपने नेट पे ढूंढ लिया और कम पैसे की वजह से, क्योंकि यूजुअली जो लोग फ्रॉड करते हैं फीस कम ही बताते हैं, उनके पास आप जाकर के आप मैरिज परफॉर्म कर लेते हो, बाद में वो अपने सर्टिफिकेट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है और बहुत दुख की भी बात है कि आपने जहां से मैरिज किया उनको आपकी इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा, तभी परेशान होकर के आपने कॉल किया है। और आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं कि पुलिस अगर पीछे पड़ी हो तो क्या कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको कोर्ट मैनेज करना है या कोई और दर्शक देख रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर है 8800444555, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मैरिज रिलेटेड या कोई भी लीगल समस्या हो उससे उसके बारे में पूरी क्वेरी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आप जब कभी भी आपको कोई लीगल समस्या या मैरिज से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि जब आपने मैरिज किया है तो पुलिस को प्रॉपरली इंटीमेशन लेटर भिजवाया कि नहीं भिजवाया, कोई न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया है या नहीं कराया, क्योंकि इसके बाद जब पुलिस आपको परेशान कर रही है और पुलिस को मान लीजिए कि आपने इंटीमेशन भिजवा दिया है उसके बावजूद आपको पुलिस परेशान कर रही है तो आपके पास ये रास्ता है कि आप हाईकोर्ट में जाएं। जब आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो जो इंटीमेशन लेटर भेजा गया है वो दिखाना पड़ेगा आपको वहां पे कि मैंने पुलिस को प्रॉपर सूचना दिया है कि हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों ने शादी कर लिया है
उसके बावजूद पुलिस मुझे पकड़ रही है, मेरे परिवार को धमका रही है, मुझसे बदतमीजी के साथ बात कर रही है। तब हाईकोर्ट जो भी थाना लगता है आपका, वहां के एसपी को नोटिस भेजती है, उनको कोर्ट में बुलाती है, उनको डांट फटकार लगाती है और आदेश देती है कि कपल को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी बयान लेना है आप लीजिए लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये पुलिस प्रोटेक्शन होता है और इस प्रोटेक्शन के माध्यम से फिर आपको कोई टच नहीं कर सकता है। एक और कपल के दिमाग में सवाल आता है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए पहले कोर्ट मैरिज में करूंगा, फिर कोर्ट मैरिज का फीस दूंगा पहले, उसके बाद से फिर मेरे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा होता है कि जब आप मैरिज करेंगे तो मैरिज करने के बाद से जो लड़की वाले या लड़की की फैमिली जिस शिद्दत के साथ आपसे फाइट करेंगी, यानी जितने उस समय तो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई चाहे जितने पैसे लगते हैं लग जाए, वो जितनी अपनी ताकत लगाएंगे आपको भी उतनी ही ताकत के साथ उसका जवाब देना पड़ेगा, यानी कि कानूनी तरीके से। अगर वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगा के मुकदमे लिखवा रहे हैं, पुलिस को आपके पीछे छोड़ रहे हैं, तो आपके पास यह रास्ता है कि आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर के न्याय मांगें, ये आपके पास रास्ता है। कोई नहीं जानता कि सामने वाला किस शिद्दत के साथ, कितनी ताकत के साथ आपको परेशान करेगा, आप उसी के हिसाब से आपको फाइट भी करना पड़ेगा। तो राहुल जी उम्मीद है कि आपको समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगर आपको हाईकोर्ट प्रोटेक्शन लेना है या कोई भी हेल्प चाहिए आप कॉल कीजिएगा, आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।